Assalamualaikum, merhaba, ni hao, rachao, this is Prashant Tomar and this is Pranav Tomar and welcome back to our YouTube channel, Ball Right Winner. So, ये क्या है? ये आपकी टैगलाइन है, हम समझ गए हैं और जो लोग देख रहे हैं वो भी समझ गए, ये आपकी टैगलाइन है. तो प्रणव ने अभी कर ली है पहले पॉटी, तो पहले इस ब्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले प्रणव की सफाई कर देते हैं जो उन्होंने कर लिया सुबह नित्य क्रिया गर्म. ठीक है प्रणव, तो अभी हमारा कल वाला ब्लॉग चल रहा है और प्रणव देखो कैसे गौर से देख रही है, देखो कितने पूरे टेंशन के साथ में देख रही है, फुल एंजॉय कर रही है ब्लॉग में. सो आज संडे है, संडे को हमने सोचा कि हमारे जो छुटपुट काम बचे हैं उनको निपटा लेते हैं, तो अभी मैं काफ़ी दिनों से जो काम पेंडिंग था उसको कंप्लीट करने आया हूँ. हमारी टंकी का जो अलार्म वाला वायर है वो टूटा हुआ था, तो अभी उसी को रिपेयर करने आए हुए हैं. एंड छत पे आके ऐसा लगता है कि हाँ एकदम खुली हवा के बीच में आ गए, बट खुली हवा में मिक्स है पॉल्यूशन दिल्ली का, तो सावधानी बढ़ते हैं. और यहाँ पर अभी थोड़ा सा पहले काम निपटा लेते हैं, फिर आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं. सभी मेरा जो वाटर टैंक वाला काम है वो कंप्लीट हो चुका है और अलार्म काम नहीं कर रहा, तो फिलहाल अभी हम छत पे आए हुए हैं अपने घूमने के लिए. एंड यहाँ पर भाई अलग ही नज़ारा है, ऐसा लग रहा है कि हम सीमेंट के खंडर के ऊपर खड़े होकर सीमेंट के खंडर देख रहे हैं. आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, तो ये है दिल्ली के नज़ारे. भाई साहब कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पर. सबसे जो नोटिस करने वाली बात है, एक घर पर टंकियाँ देखो आप कितनी हैं, ये देखो. एंड ये है सामने कचरे का पहाड़ जहाँ से सारा पॉल्यूशन निकलता है, और इसके ऊपर भी ट्रक वगैरह चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं. तो सामने आई थिंक आपको दिख रहे होंगे ये जो ट्रक हैं वो सारा यहाँ पर दोनों रात लगे रहते हैं कचरा वगैरह मैनेज करने में. एंड यहाँ सामने है नोएडा, ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वो नोएडा की हैं. एंड ये जो बिल्डिंग है वो बहुत फेमस बिल्डिंग है, मतलब मोस्टली लोगों ने देखी होगी, है सुपरनोवा. तो अभी दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि हमारा वाला जो तार का कनेक्शन है वो यहाँ से है, वहाँ से नहीं है. तो अब यहाँ से जो तार है हमारा वो ये वाला है, अब ये वाला वायर यहाँ इस जगह अंदर घुस जाता है और उसके बाद ये कहाँ निकलता है ये पता करना है. सो फाइनली कुछ R&D करने के बाद मैं पता पड़ गया हमारा वाला जो वायर है वो ये वाला है, और इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाया हुआ है ना कि समझ में नहीं आ रहा था. फिलहाल अभी इसको ऊपर तक लेके जाना है, तो उसकी जुगाड़ करनी पड़ेगी. और उसकी जुगाड़ कैसे कर सकते हैं, पहले तो उस तार को निकालना पड़ेगा, इस तार को निकालना है बहुत आराम से ताकि ये टूटे ना, फिर उसके बाद सर हमें वहाँ लेके जाना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है. फिर आज जल्दी से निपटाते हैं. तो अभी आज सभी लोग नहा लिए हैं, पहले पूजा भी नहा ली है और प्रणव भी नहा रही है, फिर मैं बचा नहाने के लिए. तो हमारा मुहूर्त निकलेगा शाम को निकलेगा, ये सब लोग नहा ले पहले, उसके बाद हम नहाएंगे. हाँ प्रणव नहा लो आप. सभी हम लोग आए हुए हैं मॉल, क्राउन जीजस मॉल, और यहाँ पर हम लोग क्यों आए हुए हैं, ग्रोसरीज़ के लिए, ग्रोसरीज़ की शॉपिंग के लिए मॉल आना पड़ रहा है. क्या दिन आ गया, पहले हम लोग जाते थे दुकान से लेके आते थे साइकिल से पापा के साथ, और अब टाइम बदल रहा है. तो हम लोग गए थे ग्रोसरीज की शॉपिंग के लिए, हमारा प्लान हो गया फेल क्योंकि वहाँ पर सामान सारा कुछ मिल रहा था बहुत महंगा महंगा, तो पूजा ने कहा यहाँ से ना लेके कहीं और से लेते हैं. तो फिलहाल अभी हम लोग आए हुए जल्दी रहा हूँ. सो ये हमारा आज का डिनर. ये प्रणव आप क्या खाओगे? सो अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, आज हम लोगों का प्लान था कि हम बाहर जाएंगे और पूरी महीने की ग्रोसरीज वगैरह भर के लेके आ जाएंगे. जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर पूजा को रेट थोड़ा सा ज़्यादा लगे, तो पूजा ने बोला कि यहाँ से नहीं लेते, हम जिस मार्ट से लेते हैं उस मार्ट पे हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है, अच्छे रेट से मिल जाते हैं, ऑफर्स मिल जाते हैं. तो फिर हमने सोचा कि वहाँ से ना लेके हम कहीं और से लेते हैं, और मतलब जो मार्केट पर रेट चल रहा है वो रेट मिल रहा है और लोग भर भर के लेके जा रहे हैं, तो उनके पास इतना पैसा
लोगों के पास बहुत पैसा है, लोगों को परवाह ही नहीं है, मतलब कोई डबल चेक करते नहीं है, बट हम लोग चेक करते हैं क्योंकि हम मतलब हमारे पास पैसा नहीं है उतना, मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा था, तो फिलहाल हमने वो चीज छोड़ दी। हमारे साथ ऐसा होता है कि हम दिल्ली में कहीं भी जाते हैं, हम दिल्ली में कहीं भी जाते हैं और हमारे साथ होता ही है कि हम वहाँ से जाते हैं सोचते हैं कि हम ये चीज़ लेके आएंगे, ये चीज़ लेके आएंगे, बहुत सारा कुछ भर के लेके आएंगे और एट दी एंड हम क्या लेके आते हैं, कुछ खाली हाथ लौट के आते हैं, फिर पेट्रोल करते हैं, हाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी हम चीज़ें देख रहे हैं। दिल्ली में मार्केट बहुत सारी है, कुछ बहुत सस्ती हैं, इतनी सस्ती हैं, इतनी सस्ती हैं कि आप ऑल ओवर इंडिया वहाँ से माल जाता है और बहुत मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते उनको। जो चीज़ आप 20 रुपये में एक आइटम लेते हो वहाँ पर वो 20 रुपये में 12 आइटम मिल जाता है। तो कुछ मार्केट इतनी सस्ती है और कुछ मार्केट इतनी महंगी है कि तो फिलहाल वो चीज़ें जो भी हैं दिल्ली में वो आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पर डिपेंड करती है। आप जितना अच्छा बार्गेन कर लोगे उतना अच्छा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हमारी बार्गेनिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है और पूजा की भी उतनी अच्छी नहीं है, बट मेरे छोटे भाई की बहुत बढ़िया है, मेरे दोस्तों में सबकी बढ़िया है, बट मेरी इतनी अच्छी नहीं है, पूजा की भी अच्छी नहीं है, राम मिलाई जोड़ी। तो हम लोग इसलिए ना हमने सोचा कि खुद से नहीं लेते, किसी तजुर्बेकार व्यक्ति को लेके जाएंगे तब लेंगे। फिलहाल अभी आप जो देख रहे हो पीछे लड़ियाँ वगैरह, ये एक्चुअली हम इस वॉल को डेकोरेट करने का सोच रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग ना थोड़ा सा अपना जो स्किल्स हैं वो लगा के इसको डेकोरेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमारी अभी 15 मिनट की मेहनत का फल आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारी 15 मिनट की मेहनत। अभी ये वाला सेक्शन काफ़ी बचा हुआ है, इस वाले सेक्शन को कवर करना है। ये वाला सेक्शन ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, बस वो वाली जो बेल है उनको नीचे डालना है। आ हाँ, ऐसा लग रहा है घर में गार्डन बन गया है, वाह। सो फाइनली हमारी वॉल जो है वो तैयार हो रखी है, तो देखो कितनी बढ़िया लग रही है, प्यारी लग रही है। सिंपल सा इसमें जुगाड़ किया हमने, 100 रुपये की ये सारी बेलें आ गई हैं और इनको हमने वॉल पे ऐसे स्टिक कर दिया है। वॉलपेपर का खर्चा बच गया यार, पूरा वॉलपेपर लग रहा है ना, 3D वॉलपेपर, भाई साहब ऐसा लग रहा है किसी गार्डन में आ गए हो। अब हम यहाँ से अपना ब्लॉग भी शूट कर सकते हैं, ब्लॉग में बैकग्राउंड भी बहुत बढ़िया आएगा, है ना ब्रांडू, ये कितना बढ़िया बैकग्राउंड आ रहा है ये। अरे नमस्ते सत श्रीकाल, मेरा मन यहाँ आना चाहते थे यूट्यूब चैनल को लाइट में, भाई साहब पीछे पूरा फील आ रहा है, पूछा यार पीछे पूरा फील आ रहा है, देखो आगे, हाय 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 इतना बढ़िया सीन आ रहा है ना पीछे। ये जो लगाने के बाद एक पीछे से ऐसे ये मिस हो रही है अपने पास, जो एक एक्स्ट्रा बच रही है ना वो इधर लगा देंगे, थोड़ा सा दूर सा लग रहा है ना, यहाँ लगा के कंप्लीट हो जाएगा। तो लो जी काम कंप्लीट हो गया, वेट एक मिनट थोड़ा सा रहिए, ये थोड़ा सा पौधे जो है हमारे मुरझा रहे हैं। तो फाइनली हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ये वाली वॉल थोड़ा सा सूनी सूनी लग रही थी, इसको भी कवर कर दिया है, अब ये भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ये भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम किसी अच्छी सी लोकेशन पर आ गए, पीछे गार्डन ही गार्डन है भाई। फोटो वोटो लेने हो तो हमारे यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर बढ़िया पर फोटो 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे आप लोगों के लिए फ्री, आप भी याद रखोगे। तो फिलहाल आज वाले ब्लॉग को एक अच्छे नोट पर यहीं पर एंड करते हैं। पूरे एक कप चाय हो जाएगी क्या? यार हो जाने दें, एक कप चाय बना लें, एक कप चाय कर दिया, बना रही है एक कप चाय के साथ में हम अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। चाय बनने में थोड़ा टाइम है, तो चाय बनेगी, चाय पियेंगे और आज वाले ब्लॉग को एड करेंगे, सो जाएंगे। फिलहाल आज वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो और आपको हमारा घर भी पसंद आया हो। एक्चुअली मैं होम टूर वाला ब्लॉग करने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ, रेट मतलब मेरे को होम टूर वाला ब्लॉग करना है, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको एक बार सुव्यवस्थित कर दें, हम उनको प्रॉपर अरेंज कर दें, जब वो प्रॉपरली अरेंज हो जाएंगे देन उसके बाद आपको पूरा होम टूर वाला ब्लॉग करवाएंगे और आपको भी देखने में मजा आएगा। जैसे कि अभी ये वाला सीन देख के आपको कितना अच्छा लग रहा है, जब होम टूर वाले ब्लॉग में भी आ ही जाएगा, बट आपको पता होगा ना कि आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये हमने कब कनेक्ट किया था। तो फिलहाल आज उन लोग को ऐड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, फिट रहिए, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वाला ब्लॉग, टाटा बाय बाय।